कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को पहचानती हूँ आरव। कई साल पहले तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, जैसे आज तुम्हें उस घर से निकाला गया है। और मेरी उस बेइज्जती की वजह ममता और कृषि थे। क्या आप मेरे डैड को जानती हैं? हाँ, मैं तुम्हारे डैड को जानती हूँ, क्योंकि मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। लेकिन ममता ने मुझसे सारे अधिकार छीनकर मुझे अक्षय और उस घर से दूर कर दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो आरव, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हक दिलवा कर रहूंगी, मेरा तुमसे ये वादा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा पहला नशा? कृष्णा, वैसे बहुत अच्छा, क्योंकि इस बहाने पता तो चला कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। हे, ऐसे स्टूपिड जैसे बात मत किया। तुम जानती हो ना कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जिंदगी भर मैं तुमसे प्यार करूंगा और हमेशा तुम्हारी परवाह करूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं कल क्या हो जाता। आरव को उसके किए की सजा मिल चुकी है। मतलब? मिस्टर श्रीवास्तव ने उसे घर में आने से इनकार कर दिया। क्या? ओह गॉड, मेरी वजह से अक्षय अंकल ने आरव को घर से निकाल दिया? और मॉम ने उन्हें आरव को माफ करने के लिए राजी कर लिया। पता नहीं मॉम ने ऐसा क्यों किया। कृष्णा, छोटी माँ ने जो भी किया होगा बहुत सोच समझ कर किया होगा। लेकिन जो भी कहो, अक्षय अंकल सच में बहुत अच्छे इंसान है, नहीं तो मेरे लिए वो कभी भी आरव को घर से नहीं निकालते। वैसे भी एक अनजान लड़की के लिए अपने बेटे को घर से निकालना कोई मामूली बात नहीं। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब ठीक हूँ छोटी माँ। पर छोटी माँ, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। आरव का कोई पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। अक्षय सारी रात ढूंढते रहे, सारे दोस्तों से बात कर ली, पर पता नहीं कहाँ है वो। शायद आरव है। तुम आराम करो। आई एम सॉरी डैड, मैं आपके मना करने के बावजूद भी यहाँ पर आया। एक्चुअली जब मैं होश में आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने मिमी के साथ कितना गलत किया है। दरअसल मैं उससे माफ़ी मांगने आया हूँ डैड। डैड, मेरी वजह से आपको एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ,
इसलिए मुझे ममता मॉम का और कृष्णा का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी मैंने आपके साथ बदतमीजी की। आई एम सॉरी क्रिश, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आंटी, मुझे लगा आप मेरे डैड को मुझसे छीनना चाहती हैं और इसीलिए मैंने मिमी को भी बेइज्जत किया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दादी, आप तो डैड को कहिए कि मुझे माफ कर दे, फिर मैं यहां कभी भी नहीं आऊंगा। हाँ दादी, अक्षय अंकल को कहिए ना कि आरफ को माफ कर दे और इस परिवार को टूटने से बचा ले। आई एम सॉरी मिमी, डैड तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कम से कम तुम तो मुझे माफ कर दो। इट्स ओके आरव, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। थैंक्स मिमी, थैंक्स। डैड मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। डैड मैं तो आपकी जिंदगी से दूर जा चुका हूं, लेकिन अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो करण चाचू की बात पर कभी विश्वास मत करना। आरव, क्या बकवास कर रहा है तू? डैड मैं सच कह रहा हूं, आज मुझे समझ में आ रहा है कि आपसे मुझे दूर करने में ममता मॉम का नहीं बल्कि करण चाचू का हाथ है। डैड, इन्होंने हमेशा मुझे आपके, इनके और कृष्णा के खिलाफ भड़काया है और इन्हीं के कहने पर मैंने मिम्मी को। भैया भैया ये झूठ बोल रहा है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? करण, इसका जवाब तो तुम ही दे सकते हो ना। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना, फंसाया जा रहा है मुझे। थैंक्स, इतना सब होने के बावजूद भी आपने मुझ पर भरोसा किया। आरव, अपने डैड को छोड़कर कहां जा रहा? हेलो, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ है। मैंने ऐसी एक्टिंग की कि उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया और करण चाचू का पर्दा फाश हो गया। वो वहां आते ही होंगे। आने तो तुम्हारे करण चाचू को, उसे हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम अपना ख्याल रखना। ओके बेटा, टेक केयर।
खेल तो अब शुरू हुआ है, अब आएगा खेल का असली मजा। कैसा फील कर रही हो बेटा? कृष्णा वो कल रात की पार्टी। मिमी कल की बात कल खत्म हो चुकी, नया दिन शुरू हो चुका है। मैं मुस्कुरा दो। हेलो मिमी, ऐसा क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें इतना मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा। मतलब तुम पहले छोटी छोटी बातों को कितना सीरियसली लेते थे और अब बड़ी बड़ी बातों को मजाक में उड़ा देते हो। क्या बात है, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हो। नहीं कुछ खास नहीं, बस यूं ही। हाँ लेकिन कुछ लोगों की मौजूदगी से जिंदगी में काफी फर्क पड़ जाता है। हेलो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कहीं नहीं। वैसे मिमी मुझे लगता है प्यार सचमुच इंसान को बदल डालता है, पूरी दुनिया बदली बदली सी लगती है। ओह तो इसका मतलब तुम्हें प्यार हो गया है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहा तो नहीं लेकिन कहना तो यही चाहते हो ना कृष्णा? चाहे तुम कुछ ना कहो लेकिन तुम्हारे दिल की आवाज मैं सुन सकती हूँ, जिसकी हर धड़कन पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है। मिमी, मिमी, क्या सोचने लगी? या इनफैक्ट किसके बारे में सोचने लगी? कृष्णा वो, ओह तुम दोनों इधर है? चलो बाबा तड़ातड़ी करो, उधर नाश्ते का टेबल पे सब लोग इंतजार करता है। चलो मिमी नाश्ते पे चलते, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी। मिमी चलो तुम ही तैयारी करो। जी माँ। आओ 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 कृष्णा। मैं जानती हूँ कृष्णा तुम अपने दिल की बात मेरी जबान से सुनना चाहते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी और फिर एक दिन हार कर तुम्हें ही कहना पड़ेगा कि मिमी आई लव यू। तो एक बजे घर आए ना? हाय कृष्णा, तुम मेरी जगह बैठ सकते हो। क्या हुआ कृष्णा, बैठो ना। आरव तुम्हें अपने पास बिठाना चाहता है, कम ऑन बैठो। कम ऑन बडी सिट, आई वोंट ईट यू। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। नहीं इधर आ। जा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं अपने सारे बच्चों को एक साथ मुस्कुराते हुए देख रही हूँ और ये सब ममता की वजह से हुआ है। शक्ति बोला माँ मैं भी तो आपका बेटा हूं, मुझे कैसे भूल गई आप? खुशियों में जहर घोल ले? नहीं भैया ये सच नहीं है, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है लेकिन आपकी जिंदगी में जहर घोलने का मकसद नहीं था मेरा, मैं बहुत परेशान था भैया। आखिर कब तक अपनी गलतियों को दोहराते रहोगे करण? हर बार तुम्हें माफ किया और हर बार तुमने वही गलती दोहराई। नहीं करण, इस बार तुम्हें माफ करने की गलती मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी भैया,
मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अगर आप कहें तो मैं ममता से माफी मांग लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है करण, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया यही काफी है। अक्षय, करण को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो फिर ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमें से किसी को कोई तकलीफ हो। और देखो ना, पूरा परिवार साथ में है, तो फिर करण को भी प्लीज अक्षय। हाँ भैया, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ आइंदा से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूं, सुधर जाओ। थैंक्स भैया जो आपने मुझे एक मौका और दिया। चलो अब सब मिलकर नाश्ता करते हैं। आओ करण बेटा, बैठो आओ। आरफ ये लो, माँ जी ने बताया था कि तुम्हें चीज पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने बनाए। आपने बनाए तो अच्छे ही होंगे। थैंक्स। मिमी शुरू करो। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हो गया है और तुम उसके लिए शर्मिंदा हो। ठीक ही कहते हैं, जब अपने भटक जाते हैं तो अपने ही उसे सही राह पे लाते हैं। चलो नाश्ता करते हैं सब लोग। अरे हाँ, याद आया, सिट का फोन आया था, उसे जरूर फोन कर लेना। और मुझे तो लगता है कि उसे घर बुला लेना चाहिए, हर सुख दुख में उसने हमारा साथ दिया है। और ऐसे मौके पर जब हमारा पूरा परिवार साथ है, मैं अपने बेटे को कैसे भूल सकती हूँ। आप ठीक कह रही हैं माँ, सिड ने हर मुश्किल वक्त में हमारे परिवार का साथ दिया है, वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मगर वो ना होता तो हम सब आज इस तरह एक साथ ना होते। सच, सिड के जैसा दोस्त मिलना नामुमकिन है। ठीक, तो फिर हम उसे घर बुला लेते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं खुद उनके घर जाकर उन्हें इनवाइट कर लेता हूँ। तुम्हें सिड बहुत पसंद है ना? जी, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ मैं। जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ा हूँ, एक पिता की तरह उन्होंने मेरी मदद की। Thank you.